कभी कभी आपकी पॉपुलैरिटी भी आपको भी डैमेज करती है, और बड़े घराने की बहू होना, अगर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है तो एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है। हर औरत को ये है कि मर्द ने जुल्म किया, मुझे पीछे धकेलने वाली मेरी औरतें भी तो थी, औरतों ने एक दूसरे को कितना फैसिलिटेट किया। हमारी फैमिली में इस लड़कियों की एजुकेशन का कुछ इतना नहीं था, बस ये है कि पढ़ लिया, पढ़ा भी ठीक है, नहीं पढ़ा भी ठीक है, लेकिन ये था कि बेटों पे थोड़ा बहुत फोकस था। तो ये मेरा अपना बस पता नहीं कैसे एक शौक चलता रहा और खुद से पढ़ती रही। मुझे याद नहीं है कि कभी मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे स्कूल आए हों या उन्होंने कभी पूछा हो। बस ये होता था कि वालदा खुश होती थी जब मैं पोजीशन लेके आती थी, पढ़ाई की तो बस शुक्र है, फिर ये है कि दिमाग ने फिर काम करना शुरू कर दिया और फिर पोजीशन लेती रही। जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की तो एक स्कूल में मैंने टीचिंग भी की, वहाँ पर डे केयर की मैं इंचार्ज भी रही और केजी 1 और 2 को पढ़ाती भी थी। तो ये चीज़ें मेरे में थीं, लेकिन घर में इस चीज़ की परमिशन नहीं थी। हमारा थोड़ा माहौल जो था वो कंजर्वेटिव, स्पेशली मेल डोमिनेंसी ज़्यादा थे। अच्छा, बड़े मेरे भाई बड़ा अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अप्रिसिएशन के हद तक। मिडिल क्लास से थे, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे खुद कोशिश करनी पड़ी। इस दौरान फिर मेरी शादी का प्रपोजल आ गया। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने BA Part 1 किया था एंड आई वाज 19 इयर्स। फिर वहाँ जब गई मैं तो मैंने Part 2 जो है शादी के बाद देने आई। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में ये था कि नाम तो बहुत बड़ा था मेरी फैमिली का, लेकिन औरतों में वो सेंस या वो चीज़ नहीं थी कि घर की बहू जाके एग्ज़ाम दे। बेटियाँ पढ़ें, लेकिन बहुओं के लिए ये चीज़ नहीं थी। प्रोफेशनली सुकून तो नहीं मिला, वो इसलिए कि लाड़काना में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि फीमेल एडवोकेट हो। मैंने लिखना शुरू किया न्यूज़पेपर्स में, पोइट्री करती हूँ, तो ये चीज़ें मेरी आती गईं। मेरे इन-लॉज का तो नाम था ही था, फिर एक कल्पना का नाम भी चलना शुरू हो गया कि ये भी कोई बंदी है। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ना, कभी कभी आपकी पॉपुलैरिटी भी आपको भी डैमेज करती है, और बड़े घराने की बहू होना और ख़ुद कुछ करना, तो ये भी लाड़काना में तो और हालत ख़राब थी। 1-2 साल तक तो मेरे पास केस नहीं होते थे, लोग आते थे तो मैं समझती थी कि शायद ये मेरे पास केस लेके आए, नहीं, हत्ता कि वो सिर्फ देखने आते थे। समटाइम आपको इतना रिजर्व रहना पड़ता था कि कहीं कोई खुशफहमी में ना चला जाए। सो कॉल्ड पढ़े लिखे हमारे जो लॉयर्स थे, जो भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, उनका भी यही हाल होता था। आप इतने पढ़े लिखे हो, और लाड़काना तो वैसे भी इतना मैच्योर है कि आप देखें वहाँ पर कॉलेज है, और ये सिंध की पहली कॉलेज है जो फीमेल के लिए है, चांडका मेडिकल कॉलेज। तो इन सब के बावजूद लेकिन ये सर्वाइव करती रही। मुश्किल रहा, लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मुझे लाड़काने में मेरे कुलीग्स बहुत अच्छे मिले। वो मेरे कुलीग्स नहीं होते थे, मुझे लगता था, मैं उनसे कहती थी कि मेरी सहेलियाँ हैं। बाबा के जूनियर थे मेरे फादर इन लॉ, मैंने जैसे कहा कि एडवोकेट थे, उन लोगों की अगर सपोर्ट ना होती तो शायद मैं कर भी नहीं सकती थी। पूरे इंटायर सिंध में मैं जाती थी, ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, फोर्स कन्वर्जन के केसेस। इस दौरान हमारी एजिटेशन चली जॉइंट रेस्टोरेशन ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट, वो लाड़काना से चली, उसमें मैं अकेली फीमेल थी। तो मुझे मेरी कम्युनिटी की औरतें कहती थी इस बंदी का तो दिमाग ख़राब है, तो मैं इनसे यही कहती थी कि ये एजिटेशन मेरी ज़ात की नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए, और एक दिन आएगा कि आप लोग इस चीज़ पर फ़ख्र करोगे। आज असेंबलियों में कल्पना नहीं बैठी, एजिटेशन कल्पना ने चलाई। ज़िया रजीम ने हमें सेपरेट कर दिया था, हम लोग वोट नहीं कास्ट कर सकते थे, हमारा बैलेट पेपर अलग था, बैलेट बॉक्स अलग था, हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लाइक अछूत, वी वर डिक्लेयर्ड लाइक अछूत। फिर ये एजिटेशन हमने चलाई,
2000 में, और 2 साल ये चली। और परवेज मुशर्रफ ने हमें ये जब एजिटेशन मतलब हाई लेवल पे चली गई तो हमें उन्होंने ये राइट दिया। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं इस चीज़ का की पार्ट एंड पार्सल रही। आज भले मैं असेंबली में नहीं हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो है प्रेजेंटेशन तो है, रिजर्व सीटों पे भी है, जनरल पे भी है। एक चीज़ और बताऊं कि मैंने फिर अपनी बाहर की इलेक्शन कॉन्टेस्ट की और मैं सिंध की, आई थिंक पाकिस्तान की पहली माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ीमेल हूँ वाइस प्रेसिडेंट, मैं अपनी बार की बनी। और हाई कोर्ट में भी मेरी डिफरेंट पोस्ट रही हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार की मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी। और ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने अपनी कम्युनिटी की भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, अपनी कम्युनिटी के इन सेंस कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि फीमेल मुखी बने। आई वॉज फर्स्ट मुखी इन माई कम्युनिटी फ्राम लाड़काना, और वो जब मैं कॉन्टेस्ट करके तो आ गई, लेकिन अपनी कम्युनिटी को ही मैं हजम नहीं हो रही थी, और सारी कम्युनिटी को नहीं, वो चंद लोग थे जिनको अपनी अजारादारी, उनका जो संघासन था वो उनका हिलता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने अपने 3 साल के टेन्योर में ये किया कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी कम्युनिटी की, मुझसे पहले के जो भी चेयरमैन आए उन्होंने हलवे की तरह वो चीज़ें बांटी दोस्तों में, यारों में, वो अपनी मर्ज़ी से बांटते रहे। मैंने इन चीज़ों को स्टॉप किया। कम्युनिटी की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने रजिस्टर करवाई, वो मैंने तकरीबन उनके MOUs साइन करवाए कि मैं रहूं ना रहूं, जो भी चेयरपर्सन या मुखी आए एटलीस्ट लोगों को पता चले कि ये प्रॉपर्टियाँ हैं, और जब सेल हों तो कम से कम कम्युनिटी को पता चले। तो ये चीज़ें की जो मेरी कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं हुई। बड़ी अर्ली एज में मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड थे उनकी डेथ भी हो गई, तो मैंने एक टाइम पे इतनी जिंदगियां जी ली थी, गुर्बत भी देख ली, माइग्रेशन भी देख ली, विडो होना भी देख लिया, एक ड्रग एडिक्ट की बीवी भी होना देख लिया। और कभी कभी आपकी लाइफ में रिग्रेट्स भी इतने आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। अच्छा, ड्यूरिंग एडवोकेसी मैंने तकरीबन 500 केसेस जो हैं फोर्स कन्वर्जन के मैंने हैंडल किए। उसमें भी ये हुआ कि मुझे एक मखसूस तबके की तरफ से धमकियां मिलना, ना सिर्फ मुझे धमकियां मिलना, मेरे बच्चों को थ्रेट्स, मेरे हस्बैंड को थ्रेट्स। तो ये चीज़ें भी आईं, बैकफुटिंग पे भी जाने का सोचा। तो इसमें मैंने कभी कई दफ़ा रोई भी। ये है कि गिरकर उठी हूँ, उठकर गिरी हूँ, पर ज़मीन दोज नहीं हुई। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने फिर मेरी ज़िंदगी में मेरे जब एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैंने सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज में ये था कि उस बंदे ने मुझे, ऑनेस्टली ये है कि उसने मुझे संभाला। कल मैं स्पीच कर रही थी कि औरतें 8 मार्च पे, मैंने कहा कि आखिर हम चाहते क्या हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, तो एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है, उसका फैमिली का। मैं तो कहूँगी मेरे बच्चों ने जितना सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड ने जितना सेक्रीफाइस किया है, इनके बच्चों की सपोर्ट और हस्बैंड की सपोर्ट के बाद एक ज़िंदगी में फिर जान आई। हर औरत को ये है कि मर्द ने जुल्म किया, इससे इनकार नहीं करते। मैंने ये भी देखा कि हमारी औरतें भी कम नहीं हैं। मुझे पीछे धकेलने वाली मेरी औरतें भी तो थीं। कभी मेरी बहन आ गई मेरे सामने, कभी मेरी देवरानी आ गई, कभी जिठानी आ गई, कभी सास आ गई। आई तो औरतें थीं ना। औरतों ने एक दूसरे को कितना फैसिलिएट किया है, औरत कितनी औरत को सपोर्ट करती है। तो हम बजाय कि 21वीं सदी में रह के हम सिर्फ ये करें कि मर्द ही जालिम है, औरत की कितनी दुश्मन है, हम इस चीज़ को भी तो देखें। आप बहुत खुशकिस्मत हो, मैं कहती हूँ यहाँ की औरत, अगर मर्द इस पे डोमिनेंसी करता है ना कि नहीं भाई गैरत का सवाल है, औरत को बाहर नहीं निकलना है, मैं कहती हूँ खुशकिस्मत हो बहनों, घर में बैठी हुई हो, कम से कम बच्चों की और अपने मियाँ की, अपने घर वालों की थोड़ी बहुत आप ख्याल कर लें। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दो, अच्छे संस्कार दे दो ना, तो मैं कहूँगी कि वो औरत सक्सेसफुल है।